पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दो चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोनों चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके बाद नेताओं ने अजब गजब दावे कर डाले। कहने का मतलब है कि दोनों चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हुई है और 100 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। आखिर ये गणित कैसे आया, हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर पहले चरण की बात करें तो 27 मार्च को 5 जिलों की 30 सीटों पर और 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी ने 60 में से 50 सीट जीतने का दावा कर दिया। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया गया है। अब दोनों दावों की सच्चाई क्या है, इसका पता 2 मई को चलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 30+30 का मतलब 100 कैसे है। आज और आगे भी आपको 30+30 का मतलब 60 निकलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में सारे गणित के फॉर्मूले फेल हो चुके हैं। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी को क्लीन स्वीप मिली है। दोनों चरणों में बीजेपी 50 सीट जीतने जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो और नंदीग्राम सीट से कैंडिडेट ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही दावा किया है। ममता बनर्जी के मुताबिक टीएमसी को दोनों चरणों में 50 सीटों पर जीत पक्की है। हालांकि अभी भी 6 चरणों का मतदान बाकी है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को निकलने वाले हैं। शुक्रवार को कालचीनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी पहले 2 चरण में क्लीन स्वीप करेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि हम 60 में से 50 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। 2 चरण मतदान हो चुका है, 2 चरण मतदान हो चुका है और 2 चरण के मतदान में 60 सीटों पर मतदान हुआ है। 60 में से 50 सीट कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाला है। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो और नंदीग्राम सीट से कैंडिडेट ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की माने तो 2 चरणों की वोटिंग को देखते हुए टीएमसी को 50 सीटें जीतने का पक्का भरोसा है। अगर बंगाल चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग प्रतिशत के बारे में बात करें तो पहले चरण में 84% वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत 80 है। इन सब के बीच दावे भी हैं और उस पर पलटवार भी, लेकिन यह मतदाताओं के समझ में नहीं आ रहा है कि 30+30 का मतलब 100 कैसे है। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।